ओम शांति। दीपावली को सच्चे मायने में मना रहे हैं, अपने जीवन से अंधकार को हटा रहे हैं और ज्ञान की रोशनी, प्यार की रोशनी, एक्सेप्टेंस की रोशनी, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। जब हर एक अपने जीवन के अंधकार को हटा लेगा तो हम सब मिलकर इस कलयुग को खत्म कर सतयुग को ले आएंगे। इसी का यादगार पर्व है गोवर्धन पर्वत, जो दिखाया जाता है कि सब ने अपना सहयोग दिया और इस कलयुग रूपी पहाड़ को उठा लिया। तो कलयुग क्या है और सतयुग क्या है? व्हाट इज हेवन एंड व्हाट इज हेल? क्या ये बाहर की बात है या पहले स्व से देखना होगा हमें? तो कलयुग हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी को तो कलयुग कहते हैं। जब हम अपनी इग्नोरेंस में आकर क्रोध करते हैं तो हम संसार में क्रोध की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इग्नोरेंस में लोभ को यूज करते हैं तो संसार में लोभ की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। और सतयुग क्या है? आत्मा के सात गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो जब अपने सात गुणों का ध्यान नहीं रखा तो कलयुग बना दिया। सात गुणों का ध्यान रखेंगे तो कलयुग को हटा भी तो सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हम हर एक आत्मा को ये समझ दे दी है कि हमें जागरूक रहना होगा अपने गुणों के प्रति और उसको कर्म में डेलिबरेटली लाना होगा और इस सतयुग को क्रिएट करना हमें ही होगा। तो परमात्मा कहते हैं जब हम अपनी डिविनिटी को इमर्ज कर लेंगे, अर्थात अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा लेंगे, तो हर एक की शक्ति मिलकर इस कलयुग पर हावी हो जाएगी। क्योंकि अंदर की शक्ति आज घटी हुई है इसलिए कलयुग हम पर हावी है। क्रोध आ जाता है, हमें दुख हो जाता है, वो थोड़ा कुछ कहते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो ये क्या है? कलयुग हम पर हावी है। और जब हम अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा लेंगे, शांति को ज़्यादा यूज़ करेंगे, खुशी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, लटकों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हम अपने अंदर की शक्ति से कलयुग पर हावी हो जाएंगे। तो कलयुग जो हमने बना दिया, सतयुग जो हम फिर से बना देंगे। तो जब अपनी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो कलयुग पर हम हावी हो जाएंगे। ये साइंस का भी नियम है, आपने सुना ही होगा, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। ऊर्जा हमेशा ऊंचे से नीचे में जाती है, नीचे से ऊंचे में ट्रैवल नहीं करती है। अपनी ऊंची स्थिति को भूले तो हमें परिस्थिति बड़ी लगने लग गई। अपनी स्थिति को याद रखेंगे तो कलयुग पर हम हावी होंगे। तो ये साइंस का नियम है कि वीकनेस कभी भी स्ट्रेंथ को लो नहीं कर सकती है। वीकनेस को सरेंडर करना ही होता है ताकत के सामने। तो हमें हर एक को अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा और अपनी क्षमता का योगदान हर एक दे देगा तो ये कलयुग रूपी पहाड़ हम उठा देंगे और सतयुग सृष्टि पर आ जाएगा। तो परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि आप एक आत्मा हो और शांति आपका संस्कार है। इस संस्कार को यूज करके संस्कृति बनाओ और संसार को हेवन, हार्मनी इन द वर्ल्ड क्रिएट हमें करना है। तो हर एक अपने संस्कार को यूज करे, अपनी क्षमता को बढ़ाए और संसार में सतयुग ले आए। तो ग्रैटिट्यूड उस पिता के लिए। तो आज का ये पर्व ग्रैटिट्यूड का भी है कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसको कर्म में लाकर हमने एक बार अपनी सृष्टि को फिर से सतयुग बनाया। तो ग्रैटिट्यूड हर एक उस चीज़ के लिए जो आज तक हमें लगता है हमारी क्षमता तो नहीं थी, भगवान ने किया है ये कार्य। तो आज के दिन एक लिस्ट बनाना कि परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड के लिए क्या क्या है मेरे जीवन में। आप जब ये लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। अपने रोज की दिनचर्या में उसको ग्रैटिट्यूड, उसके प्रति ग्रेटफुल होना कभी मिस हो जाता है। तो ये लिस्ट आज बनाएंगे, ग्रैटिट्यूड फॉर हिम। जब सब कुछ ठीक है तब भी ग्रैटिट्यूड रखना। इट्स नॉट ओनली अबाउट रिमेम्बरिंग हिम ओनली व्हेन वी आर इन पेन और सम प्रॉब्लम। हमेशा उसको याद करना। तन ठीक है, मन ठीक है, रिश्ते ठीक है, फिर भी संबंध तो है ना उसके साथ। तो बी ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड उस पिता के साथ हमेशा। तो आज का ये पर्व ग्रैटिट्यूड के लिए भी है कि उसने इतनी शक्ति दी हम कलयुग पर हावी हो पाए और सतयुग को बना पाए। तो साइलेंस में बैठकर उस पिता को जीवन के प्रति ग्रैटिट्यूड क्रिएट करेंगे। हर एक संकल्प जो श्रेष्ठ हम रच पाते हैं, बी ग्रेटफुल टू गॉड। हर एक संकल्प जो हम रियलिटी बना पाते हैं, कई बार अपनी क्षमता कम लगती है पर रियलिटी हो जाती है वो। तो कौन है वो
जो वो रियलिटी बनाने में साथ खड़ा था, पिता परमात्मा। ग्रैटिट्यूड फॉर हिम, बी ग्रेटफुल फॉर हिम। जीवन में सारी प्राप्तियां हैं, फिर भी संबंध उसके साथ है। सो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हिम। ओम शांति।